ये मेरा गांव, मेरा घर, जहां मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा। छोटी छोटी शरारतें, ढेर सारी यादें, देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और हम सब अपने अपने घर चले गए। Assalamualaikum my beautiful family, hopefully you all are fine. Welcome to another video and welcome to my channel. तो आज जो है ना, मैं आई हूँ डीजी खान में अपने पेरेंट्स के घर पे। मेरे पेरेंट्स का जो घर है वो गांव में है, तो अभी मैं आपको गांव की लाइफ दिखाऊंगी। टोटली डिफरेंट होती है। विलेज लाइफ जो है ना, अच्छी भी बहुत होती है, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, यहाँ का कैसा ट्रेंड है, क्या खाते हैं, किस तरह से, तो अभी मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो आप लोगों को मैं घर भी दिखाती हूँ और फिर सब कुछ बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो है ना 3 पोर्शंस हैं। ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ। इस पोर्शन में जो ना मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे दादा यहाँ पे रहते हैं। ये घर जो है ना इतना पुराना है, मैं आपको बताती हूँ, 100 ईयर्स ओल्ड तो पुराना है ये। यहाँ पे जो है ना हमारे मेरे परदादा यहाँ पे रहते थे, फिर मेरे दादा यहाँ पे रहते थे। तो ये घर सारा रेनोवेट कराया है। लाइक पहले बिल्कुल ये कच्चा घर होता था पुराने ज़माने का, तो फिर ये सारा इसको चेंज कराया है, इसको अपडेट किया है ये वो। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक और पोर्शन बना है, ठीक है, वो मेरे चाचू का पोर्शन है, वहाँ पे वो रहते हैं विद फैमिली। और यहाँ पे 3 टोटल पोर्शन है मेरे घर में। वो वाला जो पोर्शन है वो मेरे कज़न का पोर्शन है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इतना मज़ा आता था, लाइक बचपन पूरा मैंने यहाँ पे गुजारा है अपना। शादी से पहले मैं यहीं पे रहती थी, तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है। कज़न के साथ रहते हैं, लाइक इस टाइम भी बहुत से मेरे जो सारे हैं वो सारे मुझे फॉलो करें कि आप किस तरह वीडियो बना रही है, लेकिन दे आर नॉट अलाउड, क्योंकि इनकी फैमिली जो है ना वो उनको अलाउड नहीं करती कि वो वीडियोज़ में आए। तो इस तरह से है। तो अभी जो है ना मैं आपको सारे घर की पहले सिनेमैटिक्स दिखाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे रोटियाँ कैसे बनाती है हमारी मासी। अच्छा, तो अभी जो है ना मैं आपको सारी घर की लोकेशन दिखाती हूँ। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये तो 100 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, इसको सारा रेनोवेट कराया है। ये देखें, ये सारी यहाँ से सारी ये डिफरेंट थोड़ा सा एंटीक डिज़ाइन है इसका, लाइक मतलब पुराने ज़माने का। लेकिन ये वाली बिल्डिंग जो है ना मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली बिल्डिंग। ये वाली देखें, ये इतनी ओल्ड नहीं है, लाइक 10 to 15 years हो गए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, ये नई है। और जो है ना यहाँ से यहाँ ये मेरे चाचू का पोर्शन है, यहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा, और ये जो है ना मेरे कज़न की बिल्डिंग है, ये अभी 3 years इसको हुए हैं बने हुए, ये बिल्कुल न्यू बनी हुई है। लेकिन वो पुरानी जो 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, वो टोटली ये देखें अपोजिट है। तो अब जो है ना आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सी बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी है। ये सेंटर में प्लॉट है और हर बिल्डिंग के बैक साइड पर भी, इवन यहाँ पर देखें ये वाला इन्होंने बनाया हुआ है। हर बिल्डिंग के बैक पे जो है ना ये ग्रीन एरिया भी है, ताकि कहीं पे भी जा सकते हैं। पीछे मैं जाती नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। हाँ जी, तो जो है ना इस तरह से होता है कि जब हम लोग बड़े शहरों में रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, अगर हेल्थ वाइज हम देखें, यहाँ की इतनी सादा लाइफ होती है, बहुत स्पेशियस बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट फील होता है। लाइक रात होती है तो आपका दिल नहीं करता कि आप बाहर निकलो या कुछ भी, क्योंकि घर के अंदर ही इतना ठंडा माहौल है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, और इवन एंड आउट हमने वॉक करनी होती है, हम घर में वॉक कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं। लाइक ये बहुत बेनिफिट है। लाइक गांव की लाइफ में ये होता है कि हर चीज़ बहुत नेचुरल है। बिल्कुल घर के ऑपोजिट हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है। मैं यहाँ पे बाहर जा नहीं सकती, वरना मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत पर्दा सिस्टम होता है। हम लोगों को सब लोग यहाँ पे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को, तो यहाँ पे बहुत पर्दे वाला सीन होता है, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आके बहुत मेरा अच्छा टाइम गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं हम थ्रू आउट जो है ना हम लोग बहुत ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं। ठीक है, मेरे दादा होते थे, चाचू होते थे, कजन्स होते थे, और जो भी कहीं ईद वगैरह होती थी तो ये हमारा एंसेस्टर्स होम है, तो सारे जो है ना वो यहाँ पे थे, गपशप लगाते थे, तो बहुत अच्छा फील होता था। अच्छा, हम लोग यहाँ पे अपने घर पे आते हैं ना, तो आपको पता है देसी घी के पराठे, नेचुरल चीजें, जितना वेट रिड्यूस किया होता है ना सारा यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बेनिफिट है कि यहाँ पे रीयूनाइट बहुत होता है। लाइक आप लोग फैमिली जो है ना वो बहुत ज्यादा रीयूनियन होता है, प्यार मोहब्बत होते हैं। मुझे तो ये लगता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं जॉइंट फैमिली से आई थी, मुझे बहुत गपशप करने का शौक था। लाइक मैं बहुत बातें वगैरह करती थी इधर उधर, क्योंकि हम लोग जब भी
इवन एंड डैड मैं शादी के बाद भी आती हूँ ना तो मेरे अम्मा बाबा कॉल्स कर रहे होते हैं कि आप कहाँ गए हो यार, आ जाओ वापस। मतलब कभी हम चाचू के पोर्शन में, कभी हम दादा के पास है, कभी हम कहाँ पे हैं, तो बहुत मजा आता है। एक और चीज बताती हूँ कि यहाँ पे जो आयमा खुश होती है, बच्चे खुश होते हैं, हम नाना होम आ गए, नाना होम आ गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो आयमा रन करी है, क्योंकि लाहौर में तो आपको पता है कि इतने बड़े बड़े घर बहुत बड़े बड़े नहीं होते शहरों में, तो यहाँ पे वो बच्चे इतने खुश होते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अभी मैं आयमा दिखाती हूँ, वो तो मेरे हाथों में ही नहीं आती। What are you doing? Come here. आयमा प्लीज कम। आयमा अभी मैं आपको पकड़ती हूँ, कम हेयर, मैं आ रही हूँ आपके पास, आई एम कमिंग। मैं तो आपको पता है जब से आई हूँ ना, आयमा ने मुझे इतनी दौड़े लगवाई हुई है, मैं अभी पकड़ती हूँ आपको, वेट। अच्छा अभी जो है ना, मैं आपको यहाँ का ट्रेंड दिखाती हूँ कि यहाँ के लोग बाहर कैसे जाते हैं और किस तरह से पहनते हैं, ये देखे जी। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये देखे, ये शटल कॉक है अफगानिस्तान में, इसकी ये देखो ना, ये शटल कॉक जो है ना, इस तरह पहन के यहाँ पे ये लोग जाते हैं, और जो है ना बाहर इस तरह से चादरें वगैरह नहीं पहनते यहाँ पे गाँव में। और अफगानिस्तान में भी ये शटल कॉक जो है ना, आपको पता है बहुत मशहूर है, तो ना शक्ल नजर आती है जाली से, खुद तो सारे नज़ारे देखते रहते हैं, और ये पहन के ये जाते हैं, ये वाइट कलर का इस तरह से होता है। हाँ जी, यहाँ पे जो रोटियाँ बनती है ना, यहाँ पे ये देखें, ये तंदूर है, यहाँ पे लकड़ियों जलाते हैं इस तरह से, सारी पहले आग लगाते हैं, गर्म हो जाता है, सारे नौकरों की रोटियाँ यहाँ पे बनती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारी मुलाजिम जो रोटी बनाती है ना 30 साल पुरानी, मैं उससे आपको मिलवाती हूँ और फिर जो ना बातें करते हैं जी। तो मैं जो ना आपको अपनी शोई से मिलवाती हूँ, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना तो ये शोई हमारे घर में काम करती थी, लाइक मतलब 33-34 ईयर्स हो गए, मैं पता नहीं कितने अरसे के बाद पैदा हुई, इससे मुझे संभाला है। तो हम जब अपनी अम्मी के घर पे आते हैं ना, हम अपनी अम्मा से नहीं डरते, शोई से बहुत डरते हैं। वैसे इसका नाम जो है ना रहीमा है, लेकिन इसको मैं शोई बुलाती हूँ, क्यों? क्योंकि शोई जो है ना बांग्लादेश में जो दोस्त होता है ना, उसको शोई बुलाते हैं। तो ये तंदूर पे इस तरह रोटियां बना रही है, मैंने सोचा जरा मैं शोई को भी बुलवाती हूँ। शोई जरा अला ना मेरे दो ननाल, मैं बहुत ज़रा दे भी हफ्ते ठीक है, साल ठीक है, कितनी साल ठीक है? 33 साल ठीक है, 33 साल, 33 साल, 33 साल ठीक है। मैं ये पैदा करने थे, मैं इन्हें गोपाले में कसम्बी में शोई बला, सारी याद आंदी है, कहना सारी याद आंदी है, बहुत याद आंदी है। बस आपको नहीं पता, हमारे बचपन में हम हर वक्त शोई के पास आते थे, रोटी दे दो, ये दे दो। कितनी रोटियां बनाती हो? 100 रोटी। कितनी रोटियां बने दी? 100 रोटी बने दी हमारा दीवार दी, 100 रोटी जी। ये कितनी रोटियां लग से है एट अ टाइम, कितनी रोटियां? 5 रोटी। अच्छा तो इसमें जो ना 5 रोटियां लगेंगी, क्योंकि जो मेरी शोई है ना उसको उर्दू नहीं बोलनी आती, तो मुझे सराइकी बोलनी पड़ती है। अच्छा तो अभी जो ना शोई 5 रोटियां एट अ टाइम लगाएगी। मैं कट सुने दिए कहना, मैं निकाल सड़ा वैसी। चलो ठीक है, अभी जो ना शोई लगाती है 5 रोटियां, फिर देखते हैं कैसे है। शोई और कितनी देर है लैसे? चलो अच्छा, आप जो ना तंदूर में रोटियां शोई साथ साथ लगा रही है, 5 रोटियां एट अ टाइम लगती हैं तंदूर में, और गरम गरम रोटियां खाएं, मक्खन लगाएं, देसी घी लगाएं। शोई पहले तो खिलाती थी, अब नहीं खिलाती, ठीक है। ये कहाँ लगी है, नजर ही नहीं आ रही, मेरा फोन ना गिर जाए। ये देखिए जी, ये रोटियां बन रही हैं, इधर वाली बन गई हैं, साथ साथ उतारनी पड़ती हैं। अच्छा आप जो ना, मैं गरम गरम रोटी पे मक्खन लगाती हूँ, पहले मक्खन लगा के उसके बाद अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ। जल्दी से लगा दो ना, ये लगा लो ना जल्दी से। शोई रोज मक्खन खाती हो? हम तो तरस रहे हैं मक्खन खाने के लिए। नहीं मैं नहीं गिदी, मैं खाऊ तो सही ना, इकट्ठा कर लो। ये रोज है ना हमारी शोई, और ये सारे यहाँ पे लोग देसी घी के ये मक्खन खाते हैं, कभी क्या खाते हैं। सही प्योर मक्खन है, व्हाइट कलर का, इन्हें मलाई इकट्ठा कर को लोग इसे वाला मक्खन बने दिया, बहुत अच्छा है, मुझे तो खाली रोटी के साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है। I keep the flame, heard you walking up, it's the wrong tree, I got